हिमाचल की तस्वीरें दिखाई, हिमाचल की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। किन्नौर से ये बड़ी खबर है, किन्नौर में भारी बारिश से भयंकर तबाही हो गई है। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदियां ओवरफ्लो हो गई हैं। सांगला वैली डैम से 200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इस बीच लोगों से अपील की गई है कि ऊंचाई वाले इलाकों पर ना जाए। देखिए प्रशासन भी कह रहा है कि मत जाइए ऊंचाई वाले इलाकों पर, नदी नालों से दूरी बना के रखिए। ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर, वैसे किन्नौर प्रसिद्ध है सेब के लिए, क्योंकि सबसे उत्तम प्रजाति का अगर सेब कहीं पर मिलता है तो वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मिलता है। लेकिन अगर आप सेब के चक्कर में अभी किन्नौर जा रहे हैं तो मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन ने बोला है कि भाई हालात खराब हैं, नदियों से दूर रहिए। हिमाचल में कैसे हालात हैं हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। अब ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी पूनम शर्मा की एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदी नाले उफान पे हैं। इस वक्त मैं अश्वनी नदी के साथ हूं और आपको दिखा देती हूं किस तरह के हालात यहां पे हैं। ये अश्वनी नदी है और आप रौद्र रूप आप देख सकते हैं। अश्वनी नदी का कितना पानी का तेज बहाव आप देख सकते हैं। इसी पानी में कई बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, मलबा जो है वो बहकर यहाँ से निकल रहा है। तिनके की तरह यहाँ पे घर समा रहे हैं और बड़े बड़े जो पत्थर हैं, बड़े बड़े पेड़ों के तने हैं वो तिनके की तरह इसमें बह रहे हैं। आपको बता दें हिमाचल के 6 जिलों में जो है बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, चंबा और हमीरपुर में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। साथ में मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह के हालात जो है हिमाचल में है, आपको बता दें कि एडवाइजरी जारी की गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि नदी नालों से दूर रहे क्योंकि पानी का फ्लो जो है नदियों में बहुत ज्यादा है। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नव भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश।